जैसे कि आप भी जानते हैं कि NFT टोकन्स में बहुत बड़ा बूम देखने को मिल रहा है और अभी करंटली लो कैप सीजन चल रहा है, यानी कि आप कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आप एक बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर हम रीसेंट एग्जांपल लें तो यहाँ NFT LIS की बात करें तो इसमें करीब 38,000% का प्रॉफिट देखने को मिला है। ये हमने वीडियो पिछले दिन डाला था और जब डाला था तब 25,000% का इंक्रीज देखने को मिल रहा था, लेकिन वीडियो डालने के बाद करीब 38,000% तक टच करके आया और यहाँ प्राइस बहुत अच्छा देखने को मिला है कुछ ऐसे टोकन्स में। बिल्कुल ऐसी और भी बहुत अच्छे टोकन्स हैं जो NFT बैक टोकन्स हैं, यानी कि ऐसी कंपनीज या फिर ऐसी ब्लॉकचेन्स जो यहाँ गेमिंग टोकन्स के ऊपर काम कर रही है या फिर गेमिंग NFTs क्रिएट करने में काम कर रही हैं, तो इनके द्वारा आपको यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये सारी डिस्कशन हम करने वाले इस वीडियो में, या हम टोटल 3 ऐसे NFT टोकन्स की बात करने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे टोकन्स भी हैं जो आप ऑलरेडी शायद इन्वेस्ट करके बैठे होंगे, हम उसके बारे में अपडेट देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से वॉर ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। तो इस वक्त चाहे हम बात करें बिटकॉइन की, बिटकॉइन का जो प्राइस है वो बहुत नीचे जा चुका है, $60,000 टच कर रहा था, लेकिन इसी के साथ अभी हम बात करें तो करीब $56,000 के आसपास चल रहा है। तो इतना बड़ा जो ड्रॉप आया है, इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है वो ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। अगर हम इथेरियम की बात करें तो उसका 1700 कुछ प्राइस के ऊपर चला गया है। अगर हम लाइट कॉइन की बात करें या फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ BNB की, बहुत से ऑल्ट कॉइन्स में यहाँ बहुत बड़ा डिप आ चुका है जिसकी वजह से यहाँ मार्केट पूरी की पूरी क्रैश होती दिख रही है। लेकिन फिर भी एक अगर आप नज़र टोटली डिफरेंट तरीके से देखोगे तो जो ऑल्ट कॉइन्स को छोड़कर अगर हम सिर्फ NFT टोकन्स पर देखते हैं तो उनका जो प्राइस है वो अभी भी अच्छे लेवल पर जा रहा है। अगर हम NFT बैक टोकन की बात करें, सबसे पहली एग्जांपल होगा जो हमारे टॉप 3 में नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसकी एग्जांपल लेना चाहता हूँ, इंजन कॉइन, जो यहाँ गेमिंग टोकन्स बनाता है या फिर NFT टोकन्स बनाता है, क्रिएट करता है, गेमिंग कंपनीज के साथ काम करता है और यहाँ जो गेमर्स हैं उनके ओनिंग्स को यहाँ कन्वर्ट करता है NFTs में, उनको सेल करने में सहायता करता है। तो इंजन कॉइन में अगर आप देखोगे तो लास्ट डे इसका प्राइस 150 के आसपास लैग कर रहा था, लेकिन अभी ये 220 टच कर चुका है और इससे ऊपर भी जा चुका है, करीब करीब 225 रुपये तक जा चुका है। तो ऐसे ही बाकी NFT टोकन्स की बात करें, चाहे बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर रहा है, ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस नीचे गिर रहा है, लेकिन फिर भी NFTs में वैसे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अभी हम वो 3 NFT टोकन्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं LIS के बारे में, यानी कि माई नेबर एलिस, तो माई नेबर एलिस यहाँ जो NFT टोकन है इसका बहुत बड़ा प्राइस इंक्रीज हुआ है। इसमें आप अगर देखें तो करीब $10-15 से शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका जो बेस प्राइस था वो $0.1 था, तो इसका जो प्राइस है वो $45 के आसपास टच करके आया है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो करीब 37,000-38,000% इंक्रीज़ आया है एलिस में। तो इतना बड़ा इंक्रीज़ शायद आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आपने ये मिस किया तो इसका रीज़न एक ही है कि आपने बाइनेंस के ऊपर यहाँ आप एक्टिव नहीं थे। अगर आप बाइनेंस के ऊपर अभी भी एक्टिव नहीं हो तो अभी से लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो अभी से इसको इंस्टॉल कर लीजिए, साइनअप कर लीजिए, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि वहाँ लॉन्च पैड है और वहाँ बहुत से ऐसे क्रिप्टो टोकन्स NFTs लॉन्च किए जाते हैं और आप लोएस्ट प्राइस पे बाय कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं थोड़े ही समय में। यहाँ तक कि 5-6 घंटे के अंदर आपको यहाँ 25,000% का इंक्रीज़ देखने को मिला है LIS में। तो ऐसा ही इंक्रीज़ आपको और भी टोकन्स में देखने को मिलेगा। तो LIS के अगर हम बाकी नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ बहुत से लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ इसको बहुत हाई प्राइस पे बाय किया था, जैसे कि $37 पे, $35 पे, यहाँ तक कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने $21 पे बाय किया था, वो भी अभी होल्ड करके बैठे हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पॉजिटिव हैं, बहुत से ट्रेडर्स जो हैं वो अभी भी पॉजिटिव हैं कि इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है। हाँ, ये बिल्कुल सच है, डेफिनेटली इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है, क्योंकि अगर हम एग्जांपल ले लें इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं इंजन कॉइन के साथ, तो इंजन कॉइन का प्राइस कल की अगर हम बात करें 197 टच करके नीचे गया था 150 के पास, लेकिन अभी फिर से ये ₹200 क्रॉस कर चुका है। और एग्जैक्टली अगर हम बात करें एलिस का, तो इसका भी अभी प्राइस नीचे चाहे जा चुका है, लेकिन फिर भी इंक्रीज़ आने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही हैं। तो एलिस को इसी तरीके से या तो होल्ड करके रखें, लेकिन अभी इतना नीचे जा चुका है प्राइस, इस डिप का फ़ायदा लें और इसके और ज़्यादा टोकन्स बाय कर लें। तो एलिस को मिस अभी मत करें। एंड अभी हम बात करेंगे सेकंड टोकन के बारे में जो है यहाँ HBAR, यानी कि हेड्रा हैश ग्राफ, जिसकी बहुत अच्छी इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी करंटली अगर हम VZRX की बात करें, हम इसको और एक्सचेंज की बात नहीं करेंगे, लेकिन VZRX की बात करें उसके ऊपर कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, यहाँ लिस्टिंग चल रही है पिछले कुछ एक हफ्ते से और ऐसी कंटिन्यू रहने वाली है नेक्स्ट वीक तक। यहाँ बहुत से कॉन्टेस्ट चल रहे हैं और एयर ड्रॉप भी आ रहा है कुछ $5,000 का या फिर इससे ज़्यादा, यू नीड टू चेक दैट। एंड इतना बड़ा एयर ड्रॉप के साथ
करीब 24 मार्च को यहाँ और भी अच्छी आपको कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो बहुत हाई जाने वाला है। लेकिन इसी के साथ में हम आपको बता दें कि यहाँ जो प्राइस का इंक्रीज डिक्रीज है वो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर भी होता है कई बार, क्योंकि अगर हम ZPay की बात करें, WizardX की बात करें, तो इनके ऊपर यहाँ जो इंक्रीज डिक्रीज है वो उसी एक्सचेंज के ऊपर रहता है कुछ समय के लिए। बिल्कुल वैसे हमें WizardX के ऊपर भी देखने को मिला, बहुत से ट्रेडर्स ने यहाँ अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया है। लेकिन अगर अभी आप इस वक्त लॉस में चल रहे हैं तो इसी तरीके से आप होल्ड करके रखें, क्योंकि यहाँ एच बार का प्राइस फिर से मूव होने वाला है, क्योंकि यहाँ कॉन्टेस्ट कंटिन्यूसली चल रहे हैं। एंड WizardX के ऊपर आपको बहुत अच्छा प्राइस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ फिर से कॉन्टेस्ट के द्वारा, एयर ड्रॉप्स के द्वारा प्राइस में इंक्रीज डेफिनेटली आएगा। एक बात हम आपको फिर से बता दें कि यहां जो एच बार है या फिर हेड्रा हैश ग्राफ है, इसका ये भी NFT बेस्ड टोकन है, यानी कि ये कंपनी, ये ब्लॉकचेन भी यहाँ गेमिंग टोकन्स बनाती है, यानी कि फैन टोकन्स बनाती है। लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टोकन को जो ओन करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें IBM भी है, विप्रो है, स्टैंडर्ड बैंक है, इसी के साथ टाटा कम्युनिकेशंस भी है, गूगल है, इसी के साथ अगर हम बॉइंग फ्लाइट्स की बात करें तो ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें बहुत इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो बोल सकते हैं कि इसको बैकड अप बाय एंड ओन्ड बाय इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि ऐसी सारी के सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन नहीं है, बाकी कुछ और 10-15 फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो ये रिसर्च आप खुद भी कर सकते हैं हाइड्रा के बारे में, लेकिन इसका जो प्राइस में इंक्रीज है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे तीसरे टोकन के बारे में, जो है चिलीज। बहुत ज़्यादा फेमस हुआ चिलीज, 1400% तक का इंक्रीज देखने को मिला है इसमें आपको। अभी इसका प्राइस लैग कर रहा है $0.6 के आसपास, तो अभी बिल्कुल सही समय है कि आप इसको बाय कर लें, क्योंकि इस डिप प्राइस पे बाय करना आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। चिलीज में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही है, CHZ आप भी जानते होंगे। इसके अगर हम एक दो दिन पहले की बात करें तो इसमें जो प्रॉफिट इंक्रीज देखने को मिला है वो बहुत ज़्यादा था, और अभी आपके लिए सही समय है कि आप चिलीज को बाय करके रखें, क्योंकि ये एक बहुत फेमस NFT टोकन है। तो इसमें अगर हम बताएं कि ये मेनली काम कर रहा है NBA टॉप शॉट के साथ, यानी कि यहाँ फैन टोकन्स बना रहे हैं, जितने भी हाइलाइट्स हैं उनके मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करके या फिर उनके NFT टोकन्स बनाए जा रहे हैं। तो चिलीज के रिगार्डिंग यहाँ कोई भी डाउट नहीं है। तो ये टोटल 3 ऐसे टोकन्स थे जिनमें आपको डेफिनेटली NFT टोकन्स होने की वजह से, लो कैप सीजन होने की वजह से, इनकी डेवलपमेंट की वजह से आपको बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हमने आपको बताया कि इंजन कॉइन के बारे में, वहाँ ऑलरेडी इंक्रीज दिख रहा है। तो ऐसा शायद बहुत रेयरली होता है या कभी कभार होता है कि आपको कुछ कॉइन्स में इंक्रीज देखने को मिले, और वो भी सेम कैटेगरी के कॉइन्स में। जैसे कि अगर हम बात, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ NFT टोकन्स जो हैं, अगर हम ये इन्हीं 3 टोकन्स की बात कर रहे हैं या इंक्लूडिंग इंजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें इंक्रीज दिख रहा है। अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, वो सभी डिप में हैं, यानी कि डाउन जा रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स होने की वजह से, क्योंकि वो डिपेंडेंट है यहाँ बिटकॉइन के ऊपर। अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स में बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है। तो NFTs को आप यहाँ बाय कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा हमें ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए जो टाइम टू टाइम बदलती रहे, क्योंकि हमें टाइम के साथ ही चलना पड़ेगा, वरना हम लॉसेस में रहेंगे। अगर हम अभी भी बात करें कि हम कुछ ऐसे टोकन्स को बाय कर लें, जैसे कि डॉज कॉइन है, XRP है, जिनका ये सीज़न नहीं चल रहा डेफिनेटली, इवन ट्रॉन्स का भी, तो वो बाय करने पर आपको इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से आप इस वक्त इन NFTs के ऊपर ध्यान दें, इनके ऊपर अच्छा गेन करें। एंड अगर आपने अभी अपना साइन अप नहीं किया बायनेंस के ऊपर, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर साइन अप कर लीजिए। एंड बाकी की सारी डिस्कशन आपको मिलने वाली है हमारे वॉर ट्रेड ऑफिशियल ग्रुप के अंदर, जो टेलीग्राम के ऊपर है, इसका लिंक भी आप यहां देख सकते हो। ये सारी की सारी वहां डिस्कशन चलने वाली है कि नेक्स्ट आपके लिए बेस्ट कौन सा कॉइन रहने वाला है, और आप यहां डेफिनेटली प्रॉफिट्स भी गेन कर पाएंगे। तो आपका क्या कहना इन NFT टोकन्स के रिगार्डिंग, और आपकी कोई सजेशन हो कि हमें किस टोकन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए, कृपया हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल वॉर ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। धन्यवाद।